नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात यानी धर्म ज्ञान के साथ। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देश भर के 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद है उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। चौथा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास में है। इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन स्थानों पर पहाड़ी के चारों ओर नदी बहती है और ओम का आकार बनता है, इसीलिए ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उसे चित्ता भूमि भी कहा जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर दूर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया था। नौवां ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। दसवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ग्यारहवां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बीच केदार नामक चोटी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। बारहवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उसे शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं आगे हमने अलग अलग वीडियो में की है, जिसको जानने के लिए धर्मज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लेना, जिससे हमारा नया वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।